So hi everyone, welcome back. I hope your orientation is going very good. And today I have with me a very special person, and we'll be discussing some very important things. So please tell us about yourself to this audience. Okay. So first of all, thank you for having me. Yeah, my pleasure. So hi everyone. My name is Devashish. I am the current chairperson of SA India BIT Sindri. So first of all, welcome to BIT Sindri. I hope your orientations are going well. So he is the chairperson of SAE, and SAE is one of the most sought after clubs here at BIT Sindri, and we'll be discussing some very important things regarding SAE, how you can get inside and what are the different process. So please tell us that what skills you are currently looking for in the first year candidate, and what are the different steps of induction. First of all, look, skills wise आप पहली बात तो आप फर्स्ट ईयर हो, ठीक है. स्किल्स मुझे नहीं लगता एज अ फर्स्ट ईयर हम लोग काफी ज्यादा हम लोग सोचते हैं या सोचते हैं. हम लोग जो देखते हैं, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है. एज लॉन्ग एज आपके पास इंटरेस्ट है, आपको यहाँ आने की चाह है, अगर ऑटोमोबाइल की फील्ड में, या आपको प्लेन का कभी शौक रहा है, कभी अगर आपको ये शौक रहा है कि रिमोट कंट्रोल कार अगर आपने देखा हो, काफी इंटरेस्ट रहा हो, रोजमर्रा की जिंदगी में आप गाड़ियां देखते हो, आप प्लेन देखते हो, तो अगर आप उनको बनाना चाहो या ये सीखना चाहो कि अरे वाह ये उड़ती है तो मतलब ये किस तरह से उड़ती है, राइट. या गाड़ी का अगर कभी आप आवाज अगर सुनते हो, तो अगर आपका हार्ट भी उसी तरह से अगर फास्ट अगर रन करता है जिस तरह की एक फॉर्मूला कार दौड़ती है, तो मेरा ये कहना है कि आप आइए, ठीक है, जरूर से आप आइए. एक बार ओरिएंटेशन के बाद आप एक बार जरूर आइए, आप स्क्रीनिंग दीजिए, फिर आपका प्रोसेस होता है बेसिकली, आगे इंटरव्यूज हो गए, 2-3 राउंड्स होंगे. तो अगर आप में चाह है तो मैं ये कहता हूँ कि आपके लिए ऐसे ही में रहा है बेसिकली. और अगर आपके पास कुछ स्किल है जैसे कि डिजाइनिंग या कुछ, अगर आप स्किल प्रायर लेके आते हैं तो ऑब्वियसली दैट्स एन एडेड एडवांटेज आई गेस. यू कीप आस्किंग मी भैया क्लब ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो हियर इज माय आंसर. एसएई बीआईटी सिंधरी इंडिया, definitely you should definitely consider this club, one of the technical, most sought after technical clubs. Now coming to one of the question, the student asked, bhaiya main chemical se hu, main production electrical mechanical se hu, to SAE mein mera kya kaam and what all stuffs will I be able to handle in that society. Dekhiye pehli baat to ye hai ki ye matter nahi karta ki aap kaun se club se ho, right. मतलब लोगों के मन में काफी ये धारणा होती है कि गाड़ी है तो उसमें अगर मैं सीएससी से हूँ या केमिकल से हूँ तो मेरा क्या काम, सही है. पर बात ऐसी है ना कि आप चाहे प्लेन बनाओ या आप गाड़ियां बनाओ, हर क्लब के लिए यहाँ पे, हर ब्रांच के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है. अब जैसे आप मैकेनिकल से हो तो ऑब्वियस सी बात है ऑटोमोबाइल तो मेरे को उतना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रिकल भी बेसिकली वायरिंग और सारी चीजें, ई व्हीकल आजकल तो ट्रेंड में है ही. बट अगर मैं बात करूं केमिकल की, तो सी एफ टी नामक एक चीज होती है, आप क्लब में आएंगे तो उसके बारे में बताया जाएगा आपको, ठीक है. फिर अगर आप सी एस सी से हो तो मशीन लर्निंग आजकल बहुत ट्रेंड में चला हुआ है, तो मशीन लर्निंग का काफी यूज होता है. करेंटली हम लोगों ने ड्रोन का भी कॉम्पिटिशन था, हम लोग बैंगलोर गए थे बेसिकली, तो वहां पे टीम्स ने काफी अच्छी परफॉर्म करी ऑल ओवर इंडिया, अराउंड टॉप 20 के अंदर हम लोग थे भी. तो या हर एक ब्रांच का यहाँ स्वागत है, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से ब्रांच से हो. सो अगर आपका बचपन से ये प्यार था गाड़ी की तरफ, देख के आप आकर्षित होते थे, और यू हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट दी हाउ ऑटोमोबाइल्स वर्क, व्हाट आर द टेक्निकलिटीज बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एन ऑटोमोबाइल, तो एसएई इंडिया इज द आंसर फॉर यू. एसएई सोसाइटी, कंसिडर इट best of the best here on campus at BIT Sindri, most sought after. Now coming to the major events, ki agar main SAE India join karta hu to mujhe kya kya major events and kya kya benefit hoga, like events and all, tell us to the audience about the events. To jaisa ki video ke shuru mein hi aapne bataya ki SAE mein aana kyun hai, sahi hai. To gaadiyon se agar aapko pyar hai to aap aaiye. आपको अगर उड़ती हुई प्लेनों से अगर प्यार है, कभी अगर आपको मन करा कि वो काम किस तरह से करता है, मैं खुद का एक प्लेन बनाऊं, तो जी हाँ, ऐसे ही मैं आपका जरूर स्वागत है. और जिस तरह की आपने मुझसे सवाल पूछा
कि इवेंट्स क्या क्या होते हैं एसएई में, और एसएई में आने का फायदा क्यों है, मुझे आप एसएई ज्वाइन क्यों करें, राइट। तो एसएई में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जो मेजर इवेंट्स है कुछ कुछ, जैसे कि बाहा, सुप्रा, ठीक है, फिर ई कार्ट, फिर एरोथॉन होते हैं, फिर ड्रोन्स बनाते हैं हम लोग, तो बेसिकली काफी कुछ है। उसके अलावा एफी साइकिल है, आजकल ई व्हीकल का काफी जोर है, फिर आप चाहो तो हाइड्रोजन का भी बना के आप लेके जा सकते हो। तो कंपटीशन काफी है, करते करते आप सीखते हुए बहुत कुछ है, और साथ ही कैश प्राइस तो होते ही है, और एडेड बेनिफिट्स अगर मैं ये बोलूं तो जब आप इवेंट में जाते हो तो आपको वहां इंटर्नशिप और एक प्री प्लेसमेंट ऑफर का भी आपके पास चांसेस रहता है। तो ऑल इन ऑल मतलब विन जोन ही है आपके पास, यहाँ हारने के लिए कुछ नहीं है। सो ऑल इन ऑल विन सिचुएशन है ऐसे ही ज्वाइन करने का। आप अगर ऐसे ही ज्वाइन करते हो तो कॉम्पिटिशन खेलते हो, एरोथॉन, सुप्रा, बाहा, जिसमें आप गाड़ी बनाते हो और एरोप्लेन का मॉडल यू मेक, तो उससे क्या होता है आपका टेक्निकल नॉलेज इनहांस होता है। और जब कंपनी यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है और आपके ऑटोमोबाइल कंपनी, सॉरी ऑटोमोबाइल कंपनी लाइक टाटा मोटर्स और सर्टेन ऑटोमोबाइल कंपनी जो बीआईटी सिंदरी में आती है फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अंडरग्रेड, और वो आपको देखती है कि एसएई ही इज अ मेंबर ऑफ एसएई, और एसएई ऑल ओवर इंडिया फेमस है, ऐसा नहीं सिर्फ बीआईटी सिंदरी में। एसएई का फुल फॉर्म ही है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, तो ये ऑटोमोबाइल के सेक्टर में एसएई इज वेरी फेमस। तो एक इंपैक्ट पड़ता है, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपका, और आपके पास टेक्निकल नॉलेज तो रहता है, आपने लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ रहता है, लाइव मॉडल पे जो काम करता है, जो चलता है गाड़ी बगी एंड ऑल, बगी मेक, और आई हैव सीन गाइस मेकिंग एरोप्लेन हियर एट बीआईटी सिंदरी, और वो सब ऐसे ही से ही रहते हैं। तो इफ यू आर फ्रॉम कोर ब्रांचेस देन दिस इज द आंसर फॉर ज्वाइनिंग क्लब्स एसएई इंडिया। आई हैव एसएई बीआईटी सिंदरी इंडिया एंड आई हैव द प्रेसिडेंट ऑफ एसएई हियर ऑन दिस चैनल। सो यू गाइस हैव been asking me for very long time which all clubs you should join and which all not. So here is my answer. Now coming to the next process, next question, like what skill that this club helps build after 3 years or during the time of placement, like certain clubs enhance the speaking and the technique, speaking skill and all those things. So SAE, what skill they will you all guys will help build for the first year? Okay, so there are various skills that you can definitely come and attain from here. So coming for the first year, during the first year, we don't expect students to take part in any event, right? So like शुरू में अपन क्या करते हैं कि पहला जो आए हुए हैं, आपको पहले तो स्किल से ही एनहेंस करना हमारा मेन टारगेट रहता है, तो जो आपको प्लेसमेंट के टाइम में भी मदद करेगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि आप चाहे किसी भी ब्रांच से हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको ऐसे ही इंडिया में आना है तो आपको यहाँ अलग अलग स्किल से इक्विप कराया जाएगा, जैसे कि मशीन लर्निंग हुआ, या अगर आप मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल या सिविल से हो तो कैट डिजाइन में आपको हेल्प किया जाएगा, अगर केमिकल से हो तो आपके लिए सीएफडी और सीएई काफी एसेंशियल्स होता है, जो बेसिकली आप इंडस्ट्री में जाके भी आप इस तरह के काम करते हो। और बीइंग अ फाइनल ईयर, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कंपनीज का रिक्वायरमेंट ही ये होता है कुछ कुछ का कि आपको कैट पहले से आना चाहिए, बहुत फास्ट कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, तो अगर आप अभी से उस चीज की तैयारी करते हो तो मुझे लगता है फाइनल ईयर तक आप इंडस्ट्री रेडी हो जाते हो। तो हाँ, ऐसे ही काफी एक आपको लीप देता है कि आप डायरेक्टली कॉलेज से आप इंडस्ट्री रेडी होके ही निकलो, ताकि जो एक ब्रिज होता है, मेरा ये मानना है कि हमारे जो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी रहे हैं और जितना भी सिस्टम हम लोगों का जो चला हुआ है एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री के बीच का जो ब्रिज है और वो जो गैप है, ऐसे ही काफी हद तक उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। तो या सो आई वुड ऐड टू इट कि अगर इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और जो भी स्ट्रीम से हो एंड यू आर लुकिंग फॉर द डिजाइन इंजीनियर पोस्ट, and design engineer is one of the highest paying jobs for an engineer, core engineer in India. तो ऐसे ही पहले ही आपको कॉलेज टाइम में ही उस चीज़ का एक्सपीरियंस देता है, उस चीज़ को डिजाइन इंजीनियर का एक्सपोजर देता है, लाइक एज देवाशीष हैज टोल्ड कि आपको कैड का एक्सपीरियंस, कैड मॉडल में काम करने मिलेगा, तो फ्रॉम दैट यू विल गेट वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड दैट विल कम वेरी हैंडी ड्यूरिंग द प्लेसमेंट्स एंड ड्यूरिंग योर कॉर्पोरेट लाइफ, जो कि डिजाइन इंजीनियर का हम लोग जो बात कर रहे हैं। तो दैट इज द थिंग अबाउट एसएई, आपको
इंडस्ट्री एक्सपोजर इन ऑन कैंपस इन कॉलेज लाइफ प्रोवाइड करता है, एंड डिफरेंट इवेंट्स है, आप जगह जगह जाते हो कॉम्पिटिशन खेलने के लिए, और टेक्निकल स्टप्स इन एस आई दैट विल कम रियली हैंडी. सो गाइज दैट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ एस आई हेयर ऑन दिस चैनल. डू लाइक द वीडियो फॉर द कंटेंट, एंड इफ यू गाइज हैव लाइक्ड इट शेयर इट ऑल्सो टू द फर्स्ट ईयर हु आर गोइंग टू हु आर इन डाउट अबाउट ज्वाइनिंग विच ऑल क्लब्स दे शुड ज्वाइन एंड विच ऑल सोसाइटी दे शुड कीप इन माइंड. So that was the president of SAE. I hope you have liked the content, and it was a really pleasure that Devashish, you have come to share some very valuable tips on this channel, and we really appreciate that. So that So that was all, guys. Thank you very much. Take care. Bye bye. And one more very important thing in the last, please check out the description. The Google form for SAE induction will be there in the description box. So if you are planning to join the society, please check it out in the description. So that was all. Thank you guys if you watched till the very end. Take care. Bye bye. Have a nice day.